नमस्कार, मैं रचना शर्मा, चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में दो दिवसीय दौरे के दौरान गोरखपुर में गांव चलो अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने विभिन्न ग्राम पंचायतों से जुड़े पन्ना प्रमुखों और विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। सीएम ने उनसे सरकार द्वारा दी जा रही कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। उन्होंने गोरखपुर की जनता को यूपी के विकास कार्यों के बारे में बताया। सीएम ने योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि सभी को सुरक्षा, सभी को समृद्धि, यही डबल इंजन की भाजपा सरकार की गारंटी है। उन्होंने कहा कि अच्छी सरकार चुनी जाती है तो ऐसे ही लाभ मिलता है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर रजई गांव में आने का मौका मिला है और उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर चर्चा की। आगे सीएम योगी बोले कि जो काम करेगा वही जनता का प्रतिनिधित्व करेगा। पहले रजई गांव में विकास कार्य नहीं हुए थे, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार सम्मान, सुरक्षा और विकास कार्य दे रही है। आपका नाम क्या है? शीला देवी। आपको क्या क्या मिला है, शासन क्या क्या योजना मिला, का लाभ मिला? पहले तो हम लोग को उजला गैस मिला। हाँ। उसके बाद आवास मिला, शौचालय मिला, बहुत सुंदर, बच्चों के पढ़ने के लिए केंद्र मिला, बहुत सुंदर। उसके बाद छोटे बच्चे जो हमारे गांव में इधर उधर भटकते थे उनको लिए अंगनवाड़ी मिला। वाह, तो अब पहले ठीक था या अब ठीक है? अब ठीक है, अब ठीक है ना। और एक चीज, हम लोग एक चीज से बहुत मारे जाते थे पहले। गांव में मेरे रोड नहीं था तो इसलिए हमारे घर के बेटियों बहन की जो विदाई होती थी वो द्वार पर से नहीं हो पाती थी, वो हमको उनको लेकर आना पड़ता था रोड पर। अब तो हमारे द्वार से बेटी बहन चढ़ के जाती है। बहुत सुंदर। अब बताओ, जब आपके पास आवास नहीं था तब क्या करते थे? तब हम लोग खर काट के ले आते थे इधर उधर से, फिर कोरोबाती बांस उस खरीद के बनाते थे। उसके बाद मड़ई छाने के लिए मिस्त्री खोजते थे, तब छवाता था घर घर जा करके। सुबह में एक लोग उधर निकलते थे, एक लोग इधर निकलते थे, तब तो जाके सबको जुटाते थे, तब हमारा मड़ई उठता था। आदमी जो कम पड़ जाते थे तो दुल्हन भी उठाती थी मड़ई, हम खुद उठाए हैं। बहुत सुंदर, लेकिन अब तो कोई समस्या नहीं है ना? अब कोई समस्या नहीं है। अच्छा, ये हम लोगों ने फ्री में भी दो सिलेंडर देने की बात की है, एक तो दीपावली में दिया था। हाँ। ये उसका लाभ? हाँ मिला। ओ, अभी तो होली में फिर मिलने वाला। हाँ। मिलेगा ना? हाँ मिलेगा। और राशन मिलता है? हाँ मिलता है। बहुत सुंदर, देखिए यही होती है, अच्छी सरकार चुनी जाती है तो ऐसे लाभ मिलता है। तो हम लोग तो एकदम माथ मुड़ा के आपके पीछे हैं। हाँ एकदम धन्यवाद। सब लोग लगे अच्छे विकास की तरफ बढ़िए, बच्चों का भविष्य बनाइए, ठीक है? चलिए बताइए। मुख्यमंत्री ने वनटांगिया गांव में आए बदलाव की चर्चा करते हुए कहा कि अयोध्या में तो भगवान रामलला 500 वर्ष के बाद अपने मंदिर में विराजमान हुए, लेकिन वनटांगिया गांव में राम राज्य पहले ही आ गया। इस दौरान उन्होंने वनटांगिया बस्तियों के पूर्व के हालात और वर्तमान के विकास की तुलनात्मक खाका भी सबके सामने रखा। उन्होंने कहा कि यह रजई गाँव 2009 में गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में आया, इससे पहले यह बांस गाँव संसदीय क्षेत्र का हिस्सा था। गोरखपुर महानगर क्षेत्र से सटे होने के बावजूद यह सुविधाओं से पूरी तरह से वंचित था, न सड़क थी, न बिजली, न पानी, न स्कूल था और न ही यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधा थी। यहाँ पक्का मकान बनाना भी लोगों के लिए कठिन था, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार के राज में वनटांगिया गांव में हर योजना का लाभ मिल रहा है। सीएम ने कहा कि वनटांगिया गांव में जहाँ पहले कोई जाता नहीं था, आज उनकी अपनी ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ पर हर योजना का लाभ मिल रहा है। 1000 से ज्यादा आवास भी यहाँ मिले हैं। उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के सिलेंडर मिले हैं, बिजली मिली है, अच्छी खासी सड़क बन गई है। महिला स्वयं समूह भी आत्मनिर्भर बनकर कार्य कर रहे हैं। राशन की सुविधा का लाभ सभी गरीबों को मिल रहा है। आज देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार आपको सम्मान भी दे रही है, आपको सुरक्षा भी दे रही है और आपके स्वावलंबन के लिए कार्य भी कर रही है। यानी इन वनटांगिया गांवों में जहां पहले सरकार कोई जाता नहीं था, आज उनकी अपनी ग्राम पंचायतें हैं, वहां पर हर योजना का लाभ मिल रहा है। 1000 से ज्यादा आवास मिले हैं यहां। उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के सिलेंडर मिले हैं,
बिजली मिली है, अच्छी खासी सड़क बन गई है, महिला स्वयंसेवी समूह भी अब यहां पर आत्मनिर्भर बनकर के कार्य कर रही है, राशन की सुविधा का लाभ गरीब को मिल रहा है। यानी अयोध्या में तो भगवान राम 500 वर्षों के बाद आए, आपके बनटांगिया में रामराज पहले ही आ गया ना। और इसीलिए आज गांव चलो अभियान के तहत हम लोग इस गांव में आए हैं, मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर कैसे उतारा जा सकता है यह देखने के लिए, और जो वंचित हैं उनको फिर से लाभान्वित करेंगे इस संकल्प के साथ आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। और देखिए देश के अंदर कितना परिवर्तन हुआ। 2014 के पहले गांव को कोई पूछता नहीं था, गरीब के बारे में कोई पूछने वाला नहीं था, महिलाओं के बारे में कोई पूछता नहीं था, नौजवानों का कोई हालचाल लेने वाला नहीं था, किसान तबाह था, गरीब भूखों मरता था, किसान आत्महत्या करता था। और आज गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के लिए सरकार की योजनाएं कितनी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रही हैं यह आज हम सब देख सकते हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में ये डबल इंजन की सरकार ने 55,83,000 लोगों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। आप सोचिए कि आवास 14 के पहले भी मिल सकता था ना, लेकिन इन गरीबों को आवास नहीं मिल पाया। 2,63,00,000 से अधिक गरीबों को एक एक शौचालय मिला। 15 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ अकेले उत्तर प्रदेश में प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही हर योजना का लाभ हर गरीब तक पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है। और एक ग्राम चलो अभियान इसी बात को लेकर के है। एक तरफ हम लाभार्थी से संवाद भी करेंगे, गांव के संभ्रांत और सैनिकों के साथ भी संपर्क करेंगे, लेकिन साथ साथ मेरा बूथ सबसे मजबूत के संकल्प के साथ भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 1000 जोड़े नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, सभी 1000 नव दंपतियों को शुभकामनाएं। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि पहले की कुप्रथाएं महिला विरोधी थी, हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया, आज बेटियों की पढ़ाई के लिए काम कर रहे हैं। प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना में 3,00,000 बेटियों के विवाह हुए हैं। सीएम योगी ने कहा कि हम बाल विवाह ना ही होने देंगे और ना ही दहेज लेना है और ना ही दहेज देना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है, सरकार आपके साथ हर समय खड़ी है। हमारी सरकार में 55,00,000 से ज्यादा लोगों को मकान मिले हैं, महिलाओं को जमीन का मालिकाना हक मिल रहा है। सीएम योगी ने इस अवसर पर 252 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। एक सतग्रस्त के लिए विवाह भी एक संस्कार है, और संस्कार के माध्यम से वो अपनी पैतृक परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। इस सृष्टि की रचना, जीवन चक्र, ये सब इसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन समय के अनुरूप किसी कालखंड में इसमें सुधार हुए होंगे, परिवर्तन हुए होंगे, लेकिन विकृतियां भी आई, कहीं पे बहु विवाह की आई, कहीं पे बाल विवाह की आई, कभी दहेज प्रथा की आई, तलाक जैसी कुप्रथाएं आई। यानी ये जितनी भी कुप्रथाएं थी ये आधी आबादी की विरोधी थी, महिला विरोधी थी, बेटी विरोधी थी, और इसीलिए इन कुप्रथाओं से बचने के लिए लोगों ने बेटी ही ना बेटी हो ही ना इस पर भी इस प्रकार के तमाम कुत्सित प्रयास होने लगे। याद करिए मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने
तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान चलाया। बेटी बचेगी तभी पढ़ेगी और जब पढ़ेगी तभी बड़ी होगी और फिर अपना योगदान देश के लिए समाज के लिए दे पाएगी, तब परंपराएं आगे बढ़ पाएंगी। और कहते भी है ना कि एक बेटी एक परिवार का ही नहीं, केवल अपने लिए नहीं पूरे परिवार की और पूरी खानदान को आगे बढ़ाने का काम करती है। और यह कार्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ा, आगे बढ़ाने के साथ तमाम प्रकार की योजनाएं आई। 2017 में जब मुख्यमंत्री बना था तब मेरे सामने समस्या आई थी कि बेटी को बचाने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए। पहला कार्यक्रम हमने निकाला था कन्या सुमंगला योजना की, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए सरकार उसको सहयोग करेगी, निशुल्क शिक्षा के साथ साथ आर्थिक सहयोग दे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है अब तक 17 लाख से अधिक बेटियों को हम लोग पैसा उपलब्ध करवा चुके हैं, 15,000 रुपए हर बेटी के हिसाब से पैसा जा रहा है। अब अप्रैल से यही राशि 25,000 हो जाएगी। इसलिए एक कार्य तो बेटी के लिए एक पैकेज, और दूसरा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सरकार के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, इस प्रयास के क्रम में अब तक 3 लाख से अधिक बेटियों की शादी हम संपन्न कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट में आयोजित बुंदेलखंड गौरव महोत्सव में हुए विस्फोट कांड पर संज्ञान लेते हुए घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। सीएम ने गहन जांच करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ इस बड़े प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज होगी। इस हादसे से संबंधित सभी दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं सीएम योगी ने निर्देश दिया कि घायलों का इलाज निःशुल्क किया जाए। उन्होंने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना की। वहीं सीएम के निर्देशों पर मामले में दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना की जांच एडीजी की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी। बता दें कि बुंदेलखंड महोत्सव में हुए विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि आतिशबाजी के लिए रखे गए बम में विस्फोट हुआ था। विस्फोट इतना तेज था कि 2-3 किलोमीटर तक आवाज सुनाई थी। घटनास्थल के पास जो लोग थे उनके चीखने उड़ गए। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।